हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 53 एंड सेक्शन 54 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को समझेंगे। इस वीडियो के अंदर हम दो ही सेक्शंस को समझेंगे जो हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर रह गए थे, उसके बाद हम आगे का जो सेक्शन है सेक्शन 55 से उनको देखेंगे। अब देखिए, हम आते हैं सबसे पहले सेक्शन 53 के ऊपर। सेक्शन 53 क्या बोलता है हमसे, वो बोलता है इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय बायर। अब इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है, सब सेल का वर्ड सिंपल चल रहा है, इसका मतलब क्या है, ए ने बी को गुड्स बेचे, बी ने आगे सी को गुड्स बेचे, तो इसको क्या बोलेंगे, बी ने आगे सब सेल कर दिया। और प्लेज बाय बायर मतलब ए ने बी को गुड्स बेचे, बी ने आगे उसको प्लेज कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे प्लेज करना। तो अब इस तरीके की अगर कोई चीज होती है अनपेड सेलर के साथ, किसके साथ, अनपेड सेलर के साथ, मतलब कि अगर एक अनपेड सेलर था, उसने आगे गुड्स किसी को बेचे और उसने गुड्स आगे किसी को बेच दिए, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, या फिर एक अनपेड सेलर ने किसी को गुड्स बेचे और उसने आगे उसको प्लेज पे रख दिया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो हमें सेक्शन 53 के अंदर बताया गया है। ये सेक्शन बोलता है कि ये जो दोनों चीजें होती है, सब सेल करना या प्लेज बाय बायर करना, ये अनपेड सेलर से उसका लीन का राइट नहीं छीन लेता। अब लीन का मतलब आपको पता है, अगर आप ये सेक्शन देख रहे हो तो, अगर आप एक बार हम सेक्शन को रीड करें तो क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, दोनों राइट्स, कौन कौन से, लीन का राइट और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये दोनों राइट खत्म नहीं होते, रिसाइन नहीं होते, किससे, सब सेल से या प्लेज बाय बायर से, इफेक्टेड बाय एनी सेल और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स विच द बायर मे हैव मेड, लेकिन कब हो जाएंगे, अनलेस द सेलर हैज असेंटेड देयर टू, लेकिन अगर सेलर ने उसके लिए सहमति दे दी, किसके लिए, कि भाई आगे गुड्स तू सेल कर दे या फिर तू आगे गुड्स गिरवी रख दे, तो फिर उसके पास से ये दोनों राइट्स चले जाते हैं, फिर वो लीन नहीं कर सकता, वो उसको स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर सकता। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल दू, मान लीजिए ए ने बी को गुड्स बेचे, ठीक है, गुड्स का पोजेशन ए के पास था, ऑनरशिप बी की हो गई, अब इसको ऑनरशिप मिली तो इसने आगे गुड्स सी को बेच दिए, अब अभी पोजेशन गुड्स का ए के पास ही और बी ने इसकी पेमेंट नहीं करी। अब इतने में क्या होता है, जब ये गुड्स बिक जाते हैं, अभी गुड्स इसके पास ही पड़े थे, बी अगर मान लीजिए इनसॉल्वेंट हो गया, तो ये गुड्स को अभी क्या कर सकता था, अपने पास लीन कर सकता था, और अगर रास्ते में होते तो उसको स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता था, लेकिन जब इसने इसको ये गुड्स बेचे, उस वक्त ए ने अपनी एसेंट दे दी कि आप ये गुड्स खरीद लो, अब चाहे ये इंसॉल्वेंट हो जाए, अब चाहे ये सब पैसा ना दे, इसके पास लीन करने का या स्टॉपेज इन ट्रांजिट करने का राइट्स नहीं है, इसको इन गुड्स की डिलीवरी सी को देनी पड़ेगी। इसका मतलब असेंट, मतलब जो असेंट कर दिया सेलर ने, अनपेड सेलर ने, तो उसके पास से लीन करने का और स्टॉपेज इन ट्रांजिट करने का राइट चला गया। ठीक है, इतना समझ आ गया। दूसरी बात क्या बोलता है सबसेक्शन टू, अगर हम पढ़े, व्हेन द ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ प्लेज, कि जब ट्रांसफर आगे इसने बाय वे ऑफ प्लेज किया था, तो यहां पर तो बात ही खत्म, जब उसने बाय वे ऑफ प्लेज किया तो ए सी के पास जाके इतनी रिक्वेस्ट कर सकता है, अगर बी आपका पैसा नहीं दे रहा तो ये जो प्रॉपर्टी उसने आपके पास प्लेज के लिए रखी है, आप इस प्रॉपर्टी को यूज मत करो, आप किसी और प्रॉपर्टी को यूज कर लो। सो इतना सा राइट अनपेड सेलर के पास रहता है प्लेज के केस में। तो सब सेक्शन 2 हमें इतना बोलता है। तो सेक्शन 53 के अंदर हमें बात बोलेगी, अब हम आते हैं सेक्शन 54 के ऊपर। ये बोलता है सेल नॉट जनरली रिजाइंडेड बाय लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कि जो सेल होती है वो खत्म नहीं हो जाती, रिसाइन नहीं हो जाती, सिर्फ किससे, लीन करने से या स्टॉपेज इन ट्रांजिट करने से। मतलब अगर अनपेड सेलर ने बायर के गुड्स को अपने पास रख लिया या फिर रास्ते में से वापस बुला लिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल खत्म हो गई, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इसका मतलब ये है, ये बोलने जा रहे हैं। लेकिन यहां पे जो अनपेड सेलर है उसके पास कुछ राइट है सेक्शन 54 के हिसाब से, उसको राइट मिला है उन गुड्स को जो उसने अपने पास रखे थे उनको रीसेल करने के लिए, लेकिन कब उनको वो रीसेल कर सकता है वो इस सेक्शन में बोला गया।
सबसे पहले अगर आप इसका सबसेक्शन टू पढ़ेंगे तो उसके अंदर बताता है कि वो गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर के हैं और बायर उसका पैसा नहीं दे रहा है तो जो अनपेड सेलर है उसके पास ये राइट है कि वो उन गुड्स को रीसेल कर दे। क्या कर दे? रीसेल कर दे, दोबारा किसी और को बेच दे उन गुड्स को। ऐसे ही अब अनपेड सेलर ने गुड्स अपने पास लीन करके रखे हैं, अब ये क्या करता है, बायर को एक नोटिस भेजता है, मेरे पैसे दे दो गुड्स ले जाओ। उसको एक टाइम भी देता है कि इतने टाइम में ले जाओ, लेकिन जो बायर है वो उसका पैसा नहीं देता, एक रीजनेबल टाइम देता है, उसको नोटिस भेजता है कि पैसे दे दो मेरा, वो उसका पैसा नहीं देता। तो यहां पे वही अनपेड सेलर के पास राइट होता है कि वो गुड्स को रीसेल कर सकता है, लेकिन जरूरी क्या है, उसको नोटिस देना होगा, नोटिस देना जरूरी है। अब नोटिस देने से एक तो उसके पास ये राइट आ गया, वो गुड्स को रीसेल कर सकता है। दूसरा फायदा क्या होता है नोटिस देने से, दूसरा फायदा ये होता है कि अब क्या होगा, जैसे अगर ए बी और सी, ए ने बी को गुड्स बेचे, बी उसका पैसा नहीं दे रहा, तो ए बन गया अनपेड सेलर। अब ए ने बी को नोटिस भेजा, मेरे पैसे दे दो, एक रीजनेबल टाइम दिया, बी ने उसके पैसे नहीं दिए, ए ने क्या किया, वो गुड्स ऐसे थे उसने सी को बेच दिए। अब उसने सी को बेचा तो इसको अगर वो 100 रुपए के बेच रहा था तो शायद उन गुड्स की क्वालिटी ऐसी हो गई कि वो गुड्स सी को 90 रुपए के बिके, तो यहाँ पे ए को क्या हुआ, 10 रुपए का लॉस हुआ। तो अगर ये नोटिस अगर ए के द्वारा बी को दिया गया था रीसेल करने का, अगर ये नोटिस दिया गया था तो ए बी से 10 रुपए का क्लेम कर सकता है जितना उसको लॉस हुआ। और अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन होती कि ये गुड्स 110 रुपए के बिक जाते तो ए को क्या हुआ, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसके गुड्स 10 रुपए ऊपर बिक गए जितने उसने बी को बेचे थे। यहां पे बी आके ए से इस 10 रुपए के प्रॉफिट को नहीं मांग सकता, ये राइट उसके पास नहीं रहेगा। लेकिन अगर ए ने बी को ये नोटिस नहीं भेजा होता तो ये दोनों ही चीजें, बी से लॉस मांगना और बी को प्रॉफिट ना देना, ये राइट उसके पास से चला जाता। तो फिर ए बी से लॉस नहीं मांग सकता था, और अगर ए को ये प्रॉफिट होता 10 रुपए का तो बी आके उससे प्रॉफिट मांग सकता था, कब, जब उसने ये नोटिस ना दिया होता। दूसरी बात ये बोली गई। फिर अब मान लीजिए कि रिजर्वेशन ऑफ राइट टू रीसेल, रिजर्वेशन ऑफ राइट टू रीसेल, जब मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट किया सेल करने का उसी वक्त मैंने बायर को बता दिया कि अगर तूने पैसे मेरे नहीं दिए तो गुड्स मैं तेरे ये बेच दूंगा, तो मैंने क्या किया, अपने पास राइट रिजर्व कर लिया, अपने पास राइट रख लिया कि अगर तू पैसे नहीं देगा तो मैं गुड्स को बेच दूंगा। यहां पे अनपेड सेलर को बायर को नोटिस भी देने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट में ही अपने पास राइट को रिजर्व करके रख लिया था, अपने पास राइट को रिजर्व करके रख लिया था तो वो गुड्स को बेच सकता है, रीसेल उनकी कर सकता है। अब यहां पे जो नया बायर होगा जिसको गुड्स बेचे गए, जो नया बायर जैसे यहां पे सी है, उसका जो टाइटल होगा वो अनअफेक्टेड होगा, उसको उसका टाइटल मिल जाएगा। एक बार इन सेक्शन को रीड करते हैं, क्या बोलता है सेक्शन 54, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिसाइंडेड बाय मेयर एक्सरसाइज ऑफ अनपेड सेलर ऑफ हिज राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, की भाई जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म नहीं हो जाता इन दोनों कामों से। जहां पे गुड्स पेरिशेबल नेचर के होते हैं तो वहां पे उसको रीसेल कर सकते हैं या फिर उसको नोटिस भेज के रीसेल कर सकते हैं। सबसेक्शन 3 बोलता है वेयर एन अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और रीसेल द गुड्स, द बायर एक्वायर्स अ गुड टाइटल देयर टू एज अगेंस्ट द ऑरिजिनल बायर नॉट विथस्टैंडिंग दैट नो नोटिस ऑफ द रीसेल हैज बीन गिवन टू द ओरिजिनल बायर। कि अब जो ये जो बायर है इसके पास, इससे ज्यादा जो ओरिजिनल बायर था इसके पास इस गुड्स का टाइटल चला जाएगा। सबसेक्शन 4 बोलता है वेयर द सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व द राइट ऑफ रीसेल, जैसा मैंने आपको ये बताया रिजर्व द राइट ऑफ रीसेल, इन केस ऑफ बायर शुड मेक एनी डिफॉल्ट एंड ऑन द बायर ऑफ मेकिंग डिफॉल्ट ऑफ रीसेल द गुड्स द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज देयरबाय रिजाइंडेड। तो अगर इस तरीके का राइट रिजर्व कर लिया तो ओरिजिनल जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो रिसाइंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट जो उनके बीच में था, देयरबाय रिजाइंडेड दैट विदाउट प्रिजुडिस टू एनी क्लेम विच द सेलर मे हैव फॉर डैमेजेस। लेकिन उससे उसके डैमेजेस मांगने के जो राइट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डैमेजेस अभी भी ए मांग सकता था अगर उसको कोई इस बायर को गुड्स बेचने में हुए थे, चाहे उसने राइट को रिजर्व करके रखा हुआ था। तो ये चीजें, ये टॉपिक हमें सेक्शन 53 और सेक्शन 54 के अंदर समझाया गया। इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 60 से
से आगे के जो भी जितने 55 से आगे जितने भी सेक्शन है उनको देखेंगे कि उन सेक्शन में क्या दिया गया है। 55 से जो आगे के सेक्शन है उनको देखेंगे, जैसे सेक्शन 55 में सूट फॉर प्राइस के बारे में दिया गया है, जो भी चीजें आगे दी गई हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को इतना ही, अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कोई डाउट हो तो पूछिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस और चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके बताइएगा। इस टॉपिक के खत्म होने के बाद हम टॉर्ट को स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हमारे जो लॉ से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं, जितना हमारा सिलेबस है, जितने मेजर एक्ट्स हैं, चाहे वो सीपीसी हो, सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो, लिमिटेशन एक्ट हो, कितने भी एक्ट्स हो, आर्बिट्रेशन एक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, जितने हमारे एक्ट्स हैं, मेजर माइनर एक्ट्स, चाहे वो सिविल के हो, क्रिमिनल के हो, एविडेंस एक्ट, हमने उनको कवर कर रखा है, तो उनके आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं।